हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही टेस्टी पेड़े की रेसिपी, जो कि बिना गैस जलाए ही बनाएंगे। और यकीन मानिए, इसे खाकर कोई भी नहीं कहेगा कि आपने इसे घर पर बनाया है। बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप भुने हुए चने। ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। आप चाहे तो भुने हुए चने की जगह पर भुने हुए चने की दाल भी ले सकते हैं। और इस मिठाई को बनाने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि चने हैं वो बिना नमक वाले ही लेने हैं। ये मैंने छिलके वाले चने, जिनको कि मैंने छिलके को अच्छे से निकाल लिया था, और अब हम इनको एक मिक्सर ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सारे हमने चने को मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल दिया है। अब इनको हम बारीक पीस लेंगे। सारे चने को हमने पीस लिया है एकदम से बारीक। अब इनको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इनको हम एक साइड कर लेते हैं। अब सेम ग्राइंडर जार में हम डालेंगे 1 कप चीनी। तो मैंने 1.5 कप चने की दाल ली थी ना, तो मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी लिया है, क्योंकि मैं 1/2 कप मिल्क पाउडर भी यूज करूँगी। और मिल्क पाउडर भी ऐसे भी मीठे होते हैं, तो हमें ज़्यादा इनको मीठा नहीं रखना है। आप चीनी के जगह पर मिश्री भी ले सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, और आप इसे ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो मिश्री का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने चीनी के साथ में 4 इलायची भी डाल दिया है। इनको भी हम साथ साथ पीस लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चीनी का पाउडर परफेक्ट तैयार हो गया है। अब इनको हम एक साइड कर लेते हैं। अब इसी के साथ मैंने ले लिया है एक बड़ा सा बाउल, और उसमें मैंने ऐड किया है 1 कटोरी घर की फ्रेश मलाई। ये 2 दिन की मलाई थी, जो हम दूध उबालते हैं और उसमें छाली पड़ जाती है वही है। और इनको हम स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मिक्सर से अच्छे से मलाई को फेंट लिया है और ये लिक्विड फॉर्म में आने लगे हैं। अब इसी के साथ इसमें हम ऐड कर देंगे पीसी हुई चीनी, और इनको भी हम साथ साथ इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इनको जब तक फेंटना है जब तक ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आ जाते हैं। तो थोड़ी देर हमने इनको अच्छे से फेंट लिया है। अब आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल ये मिल्क मेड की तरह बन चुका है। तो अब हम इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर। ये मैंने डेयरी व्हाइटनर का मिल्क पाउडर लिया है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए मिल्क पाउडर को अच्छे से इसमें डाल दिया है। इनको भी हम मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर मलाई और चीनी के साथ में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसी के साथ मैंने ले लिया है 2 चम्मच मिल्क। ये रूम टेम्परेचर का मिल्क है। इसी के साथ इसमें हम 1 चुटकी येलो कलर डालेंगे। ये मैंने फूड कलर डाला है, और आप चाहे तो इसमें केसर भी डाल सकते हैं। केसर से भी बहुत ही अच्छा कलर आएगा, लेकिन मिठाई है वो थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फूड कलर का यूज किया है। आप चाहे तो बिना फूड कलर के भी इसे बना सकते हैं, टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। तो कलर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आप देख पा रहे होंगे कितना प्यारा कलर आया है। इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे पिसी हुई चने के पाउडर, और इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हम चने के पाउडर को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक बार में ज़्यादा नहीं डालेंगे। हमें जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना ही हम डालेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आधा मैंने चने के पाउडर को डाल दिया है, इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अभी यहाँ पर देख सकते हैं मिश्रण थोड़ा सा गीला गीला लग रहा था, तो मैंने जो बाकी के बचे हुए चने का पाउडर था वो भी डाल दिया है। अब इनको हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। हाथों से मिक्स करने से ये परफेक्ट मिक्स हो जाएंगे, और इनको हमें डो फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने हाथों से मसलते हुए इनको अच्छे से डो फॉर्म में ला दिया है, और एकदम से सॉफ्ट डो बनकर के तैयार हो गए हैं। अगर आपका मिश्रण थोड़ा सा सूखा सूखा लग रहा होगा तो आप इसमें थोड़ा सा रूम टेम्परेचर का दूध होता है वही डाल दीजिएगा, और इनको मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो सॉफ्ट डो बन करके तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि पेड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पेड़ों को शेप देने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है छोटी छोटी कटोरियाँ। आप कोई भी कटोरी ले सकते हैं, स्टील का या कांच का, तो जिससे आपको परफेक्ट लगे कि साइज अच्छे से हो जाएंगे, तो आप कोई भी कटोरी या फिर कोई भी सांचे का यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए छोटी छोटी स्टील और कांच की दोनों कटोरियाँ लिया है। और अब हम इसमें क्या करेंगे कि सारे कटोरियों में थोड़ा सा घी लगा देंगे, और इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो सारे हमने कटोरियों को घी से ग्रीस कर लिया है, और उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा बादाम का कतरन डाल देंगे। तो सारे कटोरियों में इसी तरह से बादाम के कतरन को हमने डाल दिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा बॉल्स लेंगे, और इनको हम हाथों से गोल गोल करते हुए कटोरियों में प्रेस कर देंगे, और इसके बाद हम कटोरियों को थोड़ा सा टैप कर देंगे हाथों पर, तो ये आसानी से निकल जाएंगे। बहुत ही चिकने चिकने पेड़े बन करके तैयार हो जाते हैं, और ये परफेक्ट साइज में बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक बना करके दिखा दिया है। अब मैं यहाँ पर कांच के कटोरियों में बना रही हूँ,
तो आप देख पा रहे होंगे कि कांच की कटोरियों में भी बहुत ही अच्छे से ये साइज बन करके तैयार हो रहे हैं। मुझे ये कंफर्टेबल लगा है कांच के कटोरियों में बनाने में, और इनके जो साइज हैं वो परफेक्ट छोटे छोटे आए हैं, बहुत ही क्यूट और बहुत ही सुंदर पेड़े बन करके तैयार हुए हैं। तो बहुत ही आसानी से देखिए, मैंने यहाँ पर मिश्रण को हाथों में ले लिया है, इनको गोल गोल चिकना करते हुए नींबू के आकार का मैंने शेप लिया था, और इनको मैंने कटोरियों में डाल करके अच्छे से प्रेस करते हुए और इनको टैप करके निकाल दिया। देखिए कितने आसानी से निकल गए हैं, बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही डिलीशियस पेड़े बन करके तैयार हुए हैं। मैंने यहाँ पर देखिए एक प्लेट बना करके आपको दिखा दिया है, और अब इनके ऊपर मैं चांदी का वर्क लगा दूँगी। ये ऑप्शनल है बिल्कुल, अगर आपके पास है तो लगाइएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। और देखिए कितने खूबसूरत पेड़े बन करके तैयार हुए हैं, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, खाने में भी बहुत ही टेस्टी बने थे। तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने इसे घर पर बनाया है, एकदम परफेक्ट साइज भी है और बहुत ही टेस्टी भी है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को कब बना रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बगल में बेल है उसे आप ऑल में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। अगर ये मेरी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे लाइक और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।